रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान के 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा व्यथा होता है दिमाग खराब होता है, उनसे मैं 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मूड ज्यादा ओवर हो, मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? सीधी है, चाकू लो बजाए चले जाओ। नुई आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? कहते हाँ, अभी मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा। कभी आप भी काट लेंगे? थोड़ी यार दोस्त से मैं थोड़ी। रहने वाले बुलंदशहर का। बुलंदशहर का नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं कितनी लड़ाई वाड़ाई होगी जब तो मारूंगा मैं भी। आपने सही किया श्रद्धा को, गलती होगी सही कराऊंगा। 35 टुकड़े कर दूंगा, हम तो ज्यादा नहीं है, 35 कर दूंगे। कैसा लगा ये सुन के? कैसा लग रहा है कि किसी के 35 टुकड़े किए जाए? गलती होगी दोनों की, और क्या। अच्छा, दोनों की गलती है? जिसने मारा तो जिंदा है, एक तो चली गई। कोई ना, एक तो चली गई, वो भी चला जाएगी तो जिंदा, उसे भी साल दो साल में। मुझे उम्मीद है कि आपने इस नीच और घटिया मानसिकता वाले शख्स की वीडियो निश्चित तौर पर देखी होगी। सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुई इस शख्स की वीडियो, जो कि आफ्ताब के उस कृत्य को, जिसको सारी दुनिया थू-थू कर रही है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके यहाँ तक कि सजाए मौत की मांग कर रही है। ये शख्स आफ्ताब के ज़रिए किए गए श्रद्धा के 35 टुकड़े के मामले में कह रहा है कि उसने ठीक किया है। और ख़ुद का जब रिपोर्टर ने इससे सवाल किया तो इसने अपना नाम बुलंदशहर का राशिद बताया। आप सोचिए तो सही, किस हद तक, कहाँ तक ढूंढ के लाते हैं जहर, और कहाँ किस हद तक एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस कौम को लांछन लगाने के लिए इस तरह से नाम लिए जाते हैं। लेकिन धन्य है यूपी पुलिस, और हम तो शुक्रिया भी अदा करेंगे कि कम से कम इस मामले की सत्यता को देखा। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसका ये घटिया इंटरव्यू जिस वक्त ये दे रहा है, जिस टाइम इसने ये बात बोली है कि मैं इस चीज़ के पक्ष में हूँ कि श्रद्धा के 35 नहीं 36 टुकड़े मैं कर देता अगर मैं आफ्ताब पूनावाला की जगह होता। अब एक सवाल तो आफ्ताब पूनावाला के अपने ही धर्म पर उठ रहा है कि वो किस धर्म का है। सोशल मीडिया के अलग अलग सेक्शन, कोई उसको पारसी तो कोई उसको कुछ और बता रहा है। लेकिन जिस तरह से इसने आफ्ताब के इस कृत्य को, उसके इस घिनौने घटिया और इंसानियत को शर्मसार करने वाले नरभक्षी वाले काम को किया है, उसने तो हैरान कर दिया तमाम देश और दुनिया को। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये शख्स जो अपने को राशिद बता रहा है, निकला ये विकास है जिसकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने, यूपी पुलिस ने की है। हम ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ भी निश्चित तौर पर सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। मैं ही नहीं, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने इस वीडियो को देखा सुना होगा और उनके जहन में भी गुस्सा इस बात को लेकर आया होगा कि एक आफ्ताब पूनावाला जिसने लड़की को बेरहमी से मारा, उसके कत्ल के करने के बाद टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा फेंकता रहा और तमाम चीज़ दुनिया के सामने ये खुल करके परत दर परत सामने आई, लेकिन इन हालात के अंदर एक वो बंदा जो उसके कारनामे को सही बता रहा है, उसकी इस हरकत पर फूल चढ़ा रहा है और ये कह रहा है कि ये स्वाभाविक है, हो सकता है कर दिया होगा, मैं होता तो 35 के 36 टुकड़े करता, इस तरीके की बात को कहने वाले की भी सज़ा जितनी सख्तरीन हो वो कम होगी। इस मामले पर क्या कह रहे हैं सिकंदराबाद के SP, गिरफ्तारी होने के बाद और ये बात पता लगने के बाद कि ये शख्स आफ्ताब की हिमायत करने वाला, ये राशिद नहीं विकास है, इसका धर्म मुसलमान नहीं एक हिंदू है, सुनिए ज़रा SP सिकंदराबाद को। दो दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जो कि दिल्ली में शूट किया जाना पाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो खुद को राशिद बता रहा है उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में थाना सिकंदराबाद की पुलिस को लगाया गया था कि इस व्यक्ति को ट्रेस करें, जिसके आधार पर इस व्यक्ति को आज हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपना नाम विकास बताया है और इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ यह बात प्रकाश में आई है कि इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 जनपद बुलंदशहर में तथा 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं, जो कि चोरी और अवैध असलाह
से संबंधित है, इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। दिल्ली में महिला रिपोर्टर को बयान देने के बाद और आफ्ताब के उस कारनामे को सही बताने के बाद में जब गिरफ्तार हुआ यूपी पुलिस के जरिए, सिकंदराबाद पुलिस के जरिए विकास, तो कह रहा है मुझे नहीं मालूम था ये इतना बड़ा मामला हो जाएगा। एक बार सुन तो लीजिए इस घिनौनी मानसिकता रखने वाले शख्स की इस बात को जो वो कह रहा है पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद। क्या नाम है तुम्हारा? विकास कुमार। विकास कुमार, तुमने दिल्ली में एक बयान दिया था एक महिला पत्रकार को, तुम कह रहे थे कि तुम्हारा नाम राशिद खान है, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि भाई गुस्से में तो 35 के बजाय 36 टुकड़े कर देते हैं और आसान है ये करना? नहीं, मैंने उससे बोली थी मतलब कि असली नाम बताओ, मैंने के लिए बताऊँगा असली बता अला करता मैंने कि विकास कुमार, तो मैंने जब बताया तो हंस रहे थे वो, तो मुसलमान तो नहीं, तो हिंदू तो नहीं है, झूठ बोला, तो तेरे चेहरे वेरे थे पता पड़ रहा। नहीं, इस वीडियो में तो ऐसा कुछ कहते तुम नहीं नज़र आ रहे हो, सीधा तुम अपना नाम बता रहे हो, बुलंदशहर का निवासी बता रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुमने ठीक कहा जो तुम कह रहे थे कि 35 के बजाय 36 गलती कहा, जो मुझे क्या पता था कि तकलीफ फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब तमाम कहने का। तुम्हारे खिलाफ आपराधिक मामले भी बताए जा रहे हैं, दर्ज हैं गौतम बुद्ध नगर में भी हैं, यहाँ किस तरह के मामले हैं जो दर्ज हैं? चोरी कहते हैं, मैंने एक बाइक ले ली थी जो 2 साल पहले की बात है, तो 1.5-2 साल हो गए। करते क्या हो तुम दिल्ली में, क्या करते थे दिल्ली में? 1 महीना तो मैंने कुछ नहीं करा, फिर 1 महीने के बाद लेबर चौक पर जाता था, काम वाम करता था, किसी का बस वहीं पर फिर मेले में लगा था, 300 रुपये देता था मेले में वो मुझे, जो ठेकेदार था, 300 मुझे सुबह का खाना खाना था, शाम का खाना खाना, तो वही बचते थे 50-60 रुपये जो जिम में। तो तुमने जो कहा उसका तुम्हें पछतावा है कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, 35 के बजाय 36 टुकड़े किए जा सकते हैं और आसानी से भैंस की तरह काट दो? पछतावा था, मैं खुद टेंशन में, मैं कल कल मरूंगा, मुझे देख रहा यहाँ ना, तो जेल में मरूंगा, मरूंगा जरूर। ये फिर तुम दोबारा गलत बात कर रहे हो, अब तुम मरने की बात कर रहे हो, तुम्हें पछतावा है या नहीं? पछतावा है बहुत बड़ा, मैंने गलत देखा, मुखा ऊपर का केस नहीं, कुछ भी बात नहीं थी। और तुमने अपना नाम राशिद क्यों बताया जब विकास कुमार तुम्हारा नाम है? वहाँ पर तो मुझे राशिद राशिद कहते थे, जब मुझे इस वजह से मन के नहीं बता, तो मुझे नहीं पता था कि सर ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी मेरे साथ, मतलब मुझे क्या मतलब तो हम बोलने के लिए। तो मैंने, तुम्हें क्या लगता है तुमने ठीक कहा जो तुम कह रहे थे कि 35 के बजाय 36 गलती कहा, जो मुझे क्या पता था कि तकड़ी फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब तमाम। सुना आपने और देखा किस तरह से पत्रकारों के सवालात का ये जवाब दे रहा है। अब इस तरह की मानसिकता रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले न जाने कितने ही विकास होंगे जो राशिद बनकर या जो मुसलमान लड़कों के नाम बता करके क्या कुछ बयान देते होंगे या किस तरीके की सोच वो रखते होंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस तरह की वीडियो को या ऐसे शख्स की मानसिकता को, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी थॉट को कभी भी सही नहीं कहेंगे, उसकी बात पर कभी फूल नहीं चढ़ाएंगे। यही वजह है कि देश के मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने भी इस खबर को उठाया, लेकिन जिस जोर शोर के साथ उठाना चाहिए था कि राशिद नाम लेने वाला जो विकास निकला, उस खबर को जिस तरह से चलाना चाहिए था, ना तो वो न्यूज़ चैनल्स ने और ना ही वो अखबारों ने उस लेवल पर कवर किया। हाँ, लेकिन ज़रूर सोशल मीडिया पर और कुछ एक चैनल्स ने इसको दिखाया है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मैं फिर कहता हूँ जाते जाते, कार्रवाई अगर नहीं हुई तो आगे समाज में जहर घोलने का काम और समुदाय विशेष को बेमकसद टारगेट करने का काम अगर होता रहेगा तो हालात और अंजाम एक बेहतर सिमत की तरफ इशारा नहीं करते। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।